Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता रहेगा कि जो कि हमारे द बीस्ट इनकर्नेट ब्रॉक लेसनर है गाइस, हमको बहुत ही लंबे समय से WWE में दिखे नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि जो कि ब्रॉक लेसनर है गाइस, उनका जो लास्ट WWE मैच था वो SummerSlam 2023 में था। गाइस हमको ब्रॉक लेसनर WWE में दिखे नहीं है। और अगर सर गाइस आप मुझे बहुत ही लंबे समय से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता रहेगा कि मैंने आपको बताया होगा कि जो ब्रॉक लेसनर का रिटर्न प्लान था गाइस, वो था रॉयल रंबल 2024 में, जहां पे वो रिटर्न आके हमको जो कि तभी के टाइम गंथर थे गाइस, उनके सर फ्यूज चालू करने वाले थे, जहां पे रेसलमेनिया 40 में हमको ब्रॉक लेसनर फेस करते हुए दिखने वाले थे गंथर को इन अ सिंगल्स मैच। लेकिन आपको पता है कि कुछ तो इश्यूज के वजह से Because of Vince McMahon, Brock Lesnar को तभी के लिए WWE से WWE ने बाहर रखा और अभी तक वो रिटर्न आए नहीं। लेकिन रिसेंटली हमको रिपोर्ट मिली है कि जो कि WWE एंड Brock Lesnar है, उनके रिसेंटली ही टॉक्स हुए हैं Brock Lesnar को वापस लाने के लिए। आपको पता है कि WWE अभी ऑल टाइम हाई लेवल पे चल रही है, जहां पे आपको पता है कि हमको बहुत ही बड़े बड़े लेजेंड्स जैसे कि द रॉक, जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, सीएम पंक वापस आते हुए दिखे हैं, जिसके वजह से गाइस जो कि ट्रिपल एच गाइस, उनको चाहिए कि ब्रॉक लेसनर भी वापस आए, जिससे कि WWE बहुत ही गरम गरम लगेगा। और एक जो पॉसिबली WWE प्लान है गाइस, वो ब्रॉक लेसनर के साथ कर सकती है, जो कि उनका ओरिजिनल प्लान रहेगा, वो है गंथर के अगेंस्ट मैच। जैसे आपको पता है कि गंथर अभी फिलहाल है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, और आपको पता है कि ब्रॉक लेसनर जाने गए हैं बड़े बड़े चैंपियनशिप्स के लिए मैचेस रेसल करने के लिए। तो एक स्पेकुलेशन आ रही है कि ब्रॉक लेसनर हमको पॉसिबली क्राउन जूल 2024 में रिटर्न आते हुए दिख सकते। देखिए आपको पता है कि जो क्राउन जूल है WWE उसको बहुत ही बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट मान रही है। वो पता है कि सऊदी अरेबिया उनको बहुत ही मोटे मोटे पैसे देती है, जिसके वजह से ब्रॉक लेसनर हमको पॉसिबली जो गंथर का मैच कोडी रोज का अगेंस्ट होने वाला है क्राउन जूल चैंपियनशिप के लिए, पॉसिबली वो मैच के बाद हमको ब्रॉक लेसनर गाइस रिटर्न आते हुए देख सकते हैं, जिससे कि फिर हमको इनके फ्यूड चालू होते हुए देख सकते हैं, जो कि सर्वाइवर सीरीज, रॉयल रंबल और डेफिनेटली रेसलमेनिया तक जाते हुए देख सकती है। अगर जर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया करके कीजिए ये वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और प्लस अगर जर आपको हमारे चैनल के सब वीडियोस और अपडेट सबसे पहले चाहिए तो कृपया करके हमारे बेल आइकन को भी दबा के रख लीजिए, जिससे कि आपको सब अपडेट्स और वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन में आ जाए।